सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुर्वेदा बाय विकसित। तो हम अभी तक जो है इम्पोर्टेंट व्याधियाँ देख रहे थे पिछली वीडियोस में, तो आज भी हम एक इम्पोर्टेंट व्याधि के बारे में देखेंगे जो कि है पांडु रोग, जिसे हम एनीमिया भी बोलते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्याधि है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसे व्याधि परिचय से लास्ट साध्य साध्यता तक इसे पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं व्याधि परिचय पे। तो व्याधि परिचय में सबसे पहला पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा आता है, पांडु रोग रक्त अल्पता जन्य विकार है। इसका मतलब क्या है? जो एनीमिया है वो रक्त अल्पता जन्य विकार है, यानी इसमें ब्लड जो है स्कैंटी ब्लड हो जाता है, यानी ब्लड की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। तो इसे रक्त अल्पता जन्य विकार के अंतर्गत रखा गया है। अब नाउ सेकंड है, सभी व्याधियां जिसमें शरीर का वर्ण पांडु वर्ण का हो जाता है उसे पांडु रोग कहा जाता है। अब पांडु वर्ण को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? पांडु वर्ण होता है जो श्वेत पित्त वर्ण और श्वेत रक्त वर्ण का हो, यानी व्हाइटिश येलोइश कलर अगर बॉडी का हो जाए या व्हाइटिश रेडिश कलर अगर बॉडी का हो जाए तो उस रोग को हम पांडु रोग कह सकते हैं। और यही आप इसकी डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन भी इसकी यही हो जाएगी, इसका वर्ण जो है श्वेत पित्त और श्वेत रक्त का, जब किसी व्याधि में शरीर का वर्ण हो जाए तो उसे पांडु रोग कहा जाता है। नाउ तीसरा पॉइंट यह आता है कि पांडु रोग रसवह स्रोतस की व्याधि है। ये हमें पता है कि पांडु रोग किस स्रोतस की व्याधि है? रसवह स्रोतस की व्याधि है। तो यहाँ पे हमारा व्याधि परिचय कंप्लीट होता है। नाउ अगला बढ़ते हैं निरुक्ति की ओर। तो बहुत इजी है, जैसे हमने तृष्णा की पिछली वीडियोस में निरुक्ति देखी थी त्रिस सबसे था, ऐसी पांडु का भी परिनाशने धातु पे अगर आप कुप्रत्यय लगाते हैं तो पांडु शब्द उत्पन्न होता है या बनता है। तो सिंपल सा है, प से पांडु, प से परिनाशने पे अगर कुप्रत्यय लग जाएगा तो पांडु शब्द की उत्पत्ति होगी। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है निदान। अब निदान ये है किन कारणों की वजह से जो पांडु रोग है उत्पन्न होगा। अब इसमें हमें दो टाइप के निदान होते हैं, आहारज और विहारज। मानसिक निदान से पांडु रोग की उत्पत्ति जनरली होती नहीं है या बुक में बताई नहीं गई है, तो हम दो ही प्रकार के निदानों का यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो है आहारज और विहारज। तो आहारज पढ़ने से पहले आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि पांडु रोग जो होता है मुख्यतः पित्त प्रधान व्याधि है, यानी क्या है, तीनों दोषों की जो है मात्रा तो इसमें घटती बढ़ती है बट पित्त प्रधान व्याधि है। अगर पित्त वर्धक आप आहार विहार लेंगे या पित्त शरीर का बढ़ेगा तो पांडु रोग जनरली उत्पन्न होगा। अब पित्त प्रधान व्याधि है तो जनरली किस चीज़ से उत्पन्न होगा? आहार अगर आप उष्ण लेंगे तो सबसे पहला पॉइंट यही आ जाएगा कि उष्ण पदार्थों के सेवन से आपका जो है पांडु रोग उत्पन्न हो सकता है। नाउ सेकंड आ जाएगा असात्मी भोजन करने से, ये तो जनरल टॉपिक है, तो असात्मी भोजन करने से ये सभी आहार निदानों में आप सभी व्याधि में लिख सकते हैं। उसके बाद है मद्य के सेवन से, मध्य के सेवन से भी जो है वो आपका आहार में आप लिख सकते हैं इसको। और लास्ट है मृतिका भक्षण जन्य, यानी मृतिका भक्षण से, यानी मिट्टी के सेवन से। अब ये होगा किस में मिट्टी के सेवन से? ये होगा चिल्ड्रंस में, क्योंकि देखो हम तो मिट्टी का सेवन करेंगे नहीं, तो बच्चे जनरली मिट्टी का सेवन करते हैं, तो चिल्ड्रंस में जो है मृतिका भक्षण की वजह से भी जो है पांडु रोग उत्पन्न हो सकता है। नब अब बात करें विहारज की, तो विहारज में किस तरीके से होगा? सबसे पहला आ जाएगा वेगावरोध से। अगर आप वेग को रोकते हैं, उसका अवरोध करते हैं, तब आपका पांडु रोग उत्पन्न हो सकता है। दूसरा आ जाएगा अति व्यायाम या व्यवाय से, ये जनरली ज़्यादातर व्याधियों में होता है। अगर आप अति व्यायाम कर लें या अति व्यवाय कर लें, मैथुन कर लें, तो उससे भी जो है ये पांडु रोग उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद है दिवाशयन, यानी दिवाशयन जो है मुख्य कारण होता है ज़्यादातर व्याधियों का। आयुर्वेद में दिवाशप्न जो है प्रत्येक ऋतु के अनुसार बताया गया है, तो अगर आप ऋतु के अनुसार फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको उसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो दिवाशप्न कारण रहता है ज़्यादातर व्याधियों का विहारज निदान के अंतर्गत। तो ये थे पांडु रोग का व्याधि परिचय, निरुक्ति, निदान। अब हम बढ़ते हैं आगे इसकी संप्राप्ति की ओर। तो अब हमारा टॉपिक आता है संप्राप्ति। संप्राप्ति समझना हम पहले से ही बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर संप्राप्ति समझ आ गई तो रोग कैसे उत्पन्न हो रहा है ये सब समझ आ जाएगा। उसी के अनुसार हम आगे उसको डिस्क्राइब करेंगे, रोग को फर्दर जो है लिख सकते हैं। तो संप्राप्ति में सबसे पहले क्या हुआ, व्यक्ति ने अति निदानों का सेवन किया, यानी निदानों का अत्यधिक मात्रा में उसने सेवन कर लिया, उससे क्या होगा, पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोपित होगा। ये हमने पहले ही आहारज में देख लिया था कि दोष जो है पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोपित होता है इसमें, तो पित्त प्रधान त्रिदोष जो है प्रकोपित हो गया। अब जब पित्त शरीर का प्रकोपित हो गया तो क्या हुआ, त्वचा मांसांतर स्थान संशय। इसका मतलब है कि त्वचा और मांस में जो दोष हैं उनने अपना स्थान संशय कर लिया, यानी वहाँ स्थान ग्रहण कर लिया। अब उसके पश्चात क्या हुआ कि वात, कफ, रक्त, मांस जो है ये दूषित हो गए, यानी वात भी, कफ भी, रक्त भी और मांस भी, ये सारी चीज़ें त्वचा में भी स्थित होती हैं,
तो ये सब जो है दूषित हो गए। इसके अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि रक्त में अल्पता आ जाएगी, यानी स्केंटी ब्लड हो जाएगा, यानी ब्लड जो होगा कम हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, अब देखिए जनरली ये प्रैक्टिकल चीज भी है, अगर ब्लड शरीर का कम होगा तो हमारी त्वचा क्या होगी, पांडुवर्ण की हो जाएगी, यानी येलोइश व्हाइटिश, येलोइश और व्हाइटिश रेडिश कलर की हमारी त्वचा हो जाएगी। और जब त्वचा उस कलर की हो गई तो पांडु रोग उत्पन्न होता है। अब संप्राप्ति से हमने इसकी उत्पत्ति समझ ली है, अब मेन आता है कि भेद, कितने भेद हैं, कितने आचार्यों ने बोले हैं, कैसे याद रखने हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि भेद ही मार्क्स खींचेंगे। तो वही है भेद, टाइप्स ऑफ एनीमिया, कितने टाइप्स के हैं और कैसे लर्न करें। तो बहुत ईजी है, हमने सीक्वेंस दे रखा है, इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो इजीली लर्न हो जाएगा। सबसे पहले हमने आचार्य सुश्रुत के भेद बताए हैं, देन आचार्य चरक के भेद बताए हैं, देन आचार्य वाग्भट के भेद बताए हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन भेद हैं वो देख लीजिए, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, आचार्य वाग्भट, तीनों ने चार कॉमन भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, संधिपातज। वातज, पित्तज, कफज, संधिपातज, तो ये चार जो हैं तीनों ने ही बताए हैं, चाहे सुश्रुत हो, चरक हो या वाग्भट हो। अब डिफरेंस आता है चरक और वाग्भट के पांचवें भेद में। तो चरक क्या बोलते हैं, पांचवा भेद है मृदु भक्षण जन्य, वो बोलते हैं कि पांचवा आपका भेद आता है मृदु भक्षण जन्य। वहीं आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि पांचवा भेद आता है मृतिका भक्षण जन्य। तो नाम भी सेम सेम है, बस कंफ्यूज नहीं होना है, चरक ने बोला है मृदु और आपका आचार्य वाग्भट ने बोला है मृतिका भक्षण जन्य। वैसे इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं, एक बार आप लर्न कर लें तो इजीली लर्न हो जाएगा। फिर भी अगर लर्न नहीं होते हैं तो सिंपल से आप ये याद रखिए, VPKS ये कॉमन है, वात, पित्त, कफ और संधिपात, वात, पित्त, कफ, संधिपात कॉमन है, मृदु प्लस मृतिका भक्षण जन्य। तो आपको ये याद रखना है, VPKS प्लस मृदु प्लस मृतिका, उसमें ऐड करना है भक्षण जन्य। तो मृदु जो होगा चरक का होगा, मृतिका जो होगा वो वाग्भट का होगा, और वात, पित्त, कफ और संधिपात तीनों ही आचार्यों ने बताए हैं। तो इजीली हमें यहाँ पे भेद याद हो जाएंगे, तो यहाँ पे भेद लिखना बहुत इजी है ना। इसके बाद बढ़ते हैं पूर्व रूप। अब पूर्व रूप जो है इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि व्याधि का पूर्व रूप लिखना इंपॉर्टेंट है, और पूर्व रूप जो है वो डिफरेंट भी रहते हैं, क्योंकि अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण अगर वातिक, पैतिक, कफक ऐसे आते हैं तो उसमें कॉमनली लक्षण रहते हैं, लेकिन पूर्व रूप में हम कॉमन ज़्यादातर ढूंढ नहीं सकते। तो पूर्व रूप जब भी एनीमिया का आए, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, HRSS, आपको याद रखना है कि एनीमिया का पूर्व रूप HRSS है। तो उससे क्या होगा, H से आपका होगा हृदय स्पंदन, यानी हृदय में पैल्पिएशंस, तो हृदय स्पंदन S से हो गया। ना R से हो गया रुक्षता, जब भी एनीमिया हो गया शरीर में रुक्षता दिखेगी। उसके बाद S हो गया श्वेत का अभाव, एनीमिया का पूर्व रूप है मेन कि S से श्वेत का अभाव। नाउ जो सेकेंड S है वो है श्रम एवं थकावट। तो आपको ये याद रखना है, जब भी पूर्व रूप एनीमिया का आपके दिमाग में आना चाहिए कि HRSS, एच से हृदय स्पंदन, आर से रुक्षता, एस से श्वेत का अभाव और सेकंड एस से श्रम या थकावट। तो ये चीज़ है, ये हमारा यहाँ पे पूर्व रूप कंप्लीट होता है। नाउ हम देखेंगे अब लक्षण, विशिष्ट लक्षण एवं लास्ट में साध्य असाध्यता। तो नाउ हम देखते हैं पांडु रोग के लक्षण, कि क्या क्या पांडु रोग के लक्षण हैं और क्या क्या भेद अनुसार विशिष्ट लक्षण हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सामान्य लक्षण क्या है जो कॉमनली पांडु में दिखेंगे, चाहे वो कोई भी प्रकार का पांडु हो। तो कॉमन लक्षण ये है, सबसे पहला रक्तल्पता, बहुत ईजी है, क्योंकि पांडु रोग तब होता है जब शरीर का वर्ण जो है श्वेत पीत वर्ण का हो जाए। वो कब होगा, जब ब्लड शरीर में कम हो जाएगा, तो इसीलिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रक्तल्पता होगा। उसके बाद सेकेंड होगा त्वक पांडुता, अब ये रक्तल्पता होगी, जो मैंने बोल दिया पहले वही चीज़ सेकंड पॉइंट में आ गई कि जब रक्तल्पता होगी तो शरीर का वर्ण जो है पांडु वर्ण का हो जाएगा, यानी पेल हो जाएगा, स्किन जो है वाइटिश और येलोइश कलर की हो जाएगी। तो सेकंड ये आ जाएगा त्वक पांडुता। नाउ थर्ड जो है वो मेन है अक्षिकूट सूत, यानी जो आईज है उसके अराउंड स्वेलिंग हो जाएगी। तो अक्षिकूट सूत जो है वो इम्पॉर्टेंट है पांडु रोग का एक लक्षण। उसके बाद हम देखते हैं विशिष्ट लक्षण, तो वातज में क्या होगा, वातज में जो है त्वचा कृष्णवर्णी एवं पांडुवर्णी होगी। तो त्वचा का रंग कैसा होगा, कृष्णवर्णी एवं पांडुवर्णी। और उसके अलावा कॉमनली चीज़ें होंगी जैसे रुक्षता, अंगमर्द, ये सब तो आपको वातज व्याधि में क्या क्या लिखना है पता ही है। तो उसके बाद आएगा पित्तज पांडु, पित्तज पांडु में वर्ण क्या होगा शरीर का, पीत एवं हरित वर्णी त्वचा, यानी येलोइश और ग्रीनिश कलर की जो होगी त्वचा दिखाई देगी। तो आपको समझना है कि ये पीत वर्णी या पित्तज पांडु है। तो उसके बाद आएगा कफज पांडु, कफज पांडु में त्वचा हो जाएगी श्वेत वर्णी, यानी व्हाइटिश डिस्कलरेशन जिसमें हो वो आपका हो जाएगा कफज पांडु। त्रिदोषस्म आपको पता है तीनों दोषों के लक्षण होंगे,
तो तीनों दोषों के लक्षण आपको मिश्रित लक्षण यहाँ पर लिखने हैं, यानी तीनों दोषों के जो मिश्रित लक्षण होंगे वो होगा। उसके बाद है मृदुभक्षण जन्य, यानी मृदुभक्षण जन्य है तो इसमें क्या होगा, वर्ण नाश होगा, बल का नाश होगा एवं अग्नि का नाश होगा, जिसमें तीनों नाश, एक तो आपकी त्वचा का वर्ण भी उसका भी नाश हो गया, शरीर में ताकत भी नहीं है, बल का नाश भी हो गया, ऊपर से अग्नि का नाश भी हो गया, तो तीनों इसमें दिखाई देंगे, इसका इंपॉर्टेंट लक्षण है। उसके बाद अक्षिकूट शोत, इसका भी इंपॉर्टेंट लक्षण है, और इंद्रियों का नाश, इसका इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो ये सब जो है पांडु रोग के लक्षण थे जो हमने देख लिए, और बहुत अच्छे से इसको कोरिलेट भी किया अपनी डेफिनेशन से, अपनी जो भी हमने फर्दर व्याधि का परिचय दिया था वहां से या संप्राप्ति से पूरा ये कोरिलेट हो रहा है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम साध्य असाध्यता में, यानी कौन सा पांडु रोग असाध्य होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाएगा जो पांडु रोग चिरकालिक होगा, यानी जो क्रॉनिक एनीमिया है वो उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, आप असाध्य है। उसके बाद जिसमें ओडेमा यानी सोत यानी स्वेलिंग उत्पन्न हो जाएगी वो पांडु रोग भी आपका असाध्य माना जाएगा। उसके बाद अगर पांडु रोग में उपद्रव पाए जाते हैं जैसे वमन मूर्छा एवं तृष्णा, अगर पांडु रोग के साथ साथ ये तीनों उपद्रव भी उत्पन्न हो गए तो भी जो है पांडु रोग असाध्य माना जाएगा, बाकी पांडु रोग जो है वो साध्य हो है। तो इस हिसाब से आपको पांडु रोग पढ़ना है, हमने इसमें देख लिया व्याधि परिचय से लेकर टोटल संप्राप्ति, साध्य असाध्यता, लक्षण, पूर्व रूप, भेद सब हमने देख लिया। तो फर्दर अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे मैं जो भी ये नोट है आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं नीचे जो है अपने टेलीग्राम लिंक पर दे दूंगा। और फर्दर आपको अगर बुक के नोट्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।